रफीक भाई का टीम में क्या समान हो गए स्टेट को आना है भाई भाई क्या गेम है आज जिस तरह से फाइनल क्रिकेट की प्रतियोगिता रखी गई आज इसका फाइनल डे है तो कौसागांव चैंपियनशिप को लेकर के सीजन वन को लेकर के आज के दिन आप क्या कहेंगे ये टूर्नामेंट जो है ना कौसागांव की तरफ से तो है ही भाई सबका साथ सबका विकास हम पहले से ही बोलते आ रहे और मेरे साथ में मेरे जो भाई लोग है जमीर सुरमे साहब शोएब डोंगरे और ये भाई मेरे सलमान रिजवी और पूरे शहर में सभी लोग यहाँ पे आए सभी का साथ लिया अरे टूर्नामेंट इंशाल्लाह हमेशा होता रहेगा पहली बार इसका हम भाई जितने दिन ये चला है उतने दिन का क्या रिस्पांस रहा और क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो खेल के मैदान में यहाँ की युवा पीढ़ी है वो हिस्सा लेना चाह रही है तो आगे के लिए क्या क्या आप लोगों का सभी बच्चों ने दिल से मेहनत किए या से लगन से मेहनत किए और इंशाल्लाह ऐसी टूर्नामेंट उमरा में कभी भी नहीं और फर्स्ट टाइम ऐसी टूर्नामेंट हो रही और इससे आगे भी ऐसे इंशाल्लाह टूर्नामेंट होते रहे शोएब भाई आप एक युवा नेता भी है और आपने लोगों को करीब से जाना भी है युवाओं में और आज ये क्रिकेट को लेकर ये पहला सीजन यहाँ पर किया जा रहा है कौसागांव की तरफ से तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे और आते साल में ये फिर से इस प्रथा को रखा जाएगा और युवाओं को क्या मैसेज देंगे इस पर अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो मैं कौसा के हमारे कौसागांव के नौजवानों को नासिर खान बुबेरे साहब नाजिम खान बुबेरे साहब इनको बहुत बहुत मुबारकबादी दूंगा कि इनकी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह आज रंग लाई है आज छठा दिन है टूर्नामेंट का आज फाइनल होने वाला है और पिछले छः दिनों से कौसागांव के जो नौजवान है उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस टूर्नामेंट को यानी सक्सेसफुल किया है और इंशाल्लाह आने वाले दौर में ऐसे टूर्नामेंट हम ज़रूर करेंगे कौसागांव की तरफ से जो ये फाइनल है आज इस सीजन का फाइनल है तो फाइनल में आप कौन सी टीम को देख रहे हैं और कौन सी टीम जीतने की आपकी उम्मीद लग रही है अभी फिलहाल जो फाइनल इसमें कैसा है दो सेक्शन में हमने रखा है ग्रामीण का सेक्शन अलग है और तालुक और ओपन का सेक्शन अलग है तो अभी ग्रामीण का सेमीफाइनल फाइनल भी बाकी है और ओपन और तालुका का भी सेमीफाइनल फाइनल बाकी है फिलहाल जो पालघर की टीम है इमरान सुरमे 11 उनकी टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है हमारे आरिफ इराकी साहब है उनकी टीम वो भी बहुत अच्छा खेल रही है और इंडिया के कोने कोने से यूपी से राजस्थान से दिल्ली से गुजरात से सब जगह से टीमें आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ यहाँ पे क्रिकेट का शोएब भाई एक युवा होने के नाते जिस तरह से क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे रखी जाती है तो क्या लगता है आपको कि क्रिकेट के अलावा हॉकी वॉलीबॉल फुटबॉल वगैरह के भी प्रोग्राम होने चाहिए जी ज़रूर होना चाहिए खेल को हमको बढ़ावा देना ही चाहिए जिस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी जो नशे में लत है आपको पता है तो उससे युवा पीढ़ी को हटाने के लिए और नशे की लत छुड़ाने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है खेल तो खेल को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए फिर वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो हॉकी हो या कोई भी और गेम हो शोएब भाई यहाँ पर हमारे जो दर्शक है हमने नासिर भाई से भी ये सवाल किया था अब महिलाओं के लिए हमारी स्त्रियों के लिए क्या आगे खेल रखा जाएगा देखो भाई जैसे कि मैंने बताया आपको ये हमने शुरुआत की है फिलहाल नौजवानों के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखा है कौसागांव ने इंशाल्लाह आने वाले दौर में आने वाले वक्त में आने वाले कल में इंशाल्लाह हम हमारे महिलाओं के लिए भी ऐसा एक टूर्नामेंट का इंतजाम करेंगे जिससे महिलाओं के लिए वॉलीबॉल हो गया या और भी जिसमें महिलाओं की दिलचस्पी है उनसे पूछ के इंशाल्लाह हम ज़रूर महिलाओं के लिए भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे सलमान रिजवी एक युवा नेता है हमने हमेशा सलमान रिजवी को धरना और यह आवाज़ उठाते हुए देखा है और आज एक खेल के मैदान में सलमान रिजवी को किस तरह देखा जाए देखिए कैसा है कि शहर में हम लोग काफ़ी बरसों से रह रहे हैं सबसे पहले मैं नाजिम बुबेरे साहब नासिर भाई बुबेरे साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं धन्यवाद देता हूं कि शहर के अंदर जिस तरीके से युवा एक नशे की तरफ बढ़ रहा है तेज़ी से और उस नशे की को देखते हुए इन्होंने एक मैच का आयोजित किया है कौसा स्टेडियम के अंदर बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े पैमाने पे किया है छोटे मोटे लेवल पे नहीं किया इसमें सिर्फ नासिर और नाजिम भाई का ही नहीं पूरे कौसा में रहने वाले नौजवान जिसमें बढ़ चढ़ के हमारे जलील डोगने साहब ने भी हिस्सा लिया है
हमारे जमीर सुरमे साहब ने भी हिस्सा लिया है, शुएब डोंगरे साहब ने भी हिस्सा लिया है, ऐसे कई नौजवान हैं जो कौसा गांव में बरसों से रह रहे, और सिर्फ यही नहीं, इनके 4 से 5 पीढ़ी, मतलब ये समझे मुमरा एक कौसा जो है इनका ही बसाया हुआ है, इन्हीं के लोग यहाँ पे रहते हैं, और जितनी भी ज़मीनें हैं यहाँ पे जिसमें बिल्डिंग बनी है, आज जो स्टेडियम भी आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कोई डोंगरे ख़ानदान से बिलोंग करता होगा, कोई राउत ख़ानदान से बिलोंग करता होगा, कोई सुरमे ख़ानदान से बिलोंग, मतलब कहीं ना कहीं कौसा गांव की ही ज़मीनें हैं, एतराफ़ में जितनी भी आप देख ले, तो मैं समझता हूँ इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है शहर के अंदर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर की या महानगर पालिका या शासन से ये अपील करना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में यहाँ पे कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी आने वाली है, मैंने सुना अब तक तो आई नहीं, हज हाउस बनने वाला है जो अभी तक बना नहीं, जब भी आएगा तो मैं समझता हूँ कि कौसा गांव के जो बुजुर्गान गुजर चुके हैं, जो मरहूम हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ उनके नाम से कहीं ना कहीं हज हाउस या गर्ल्स हॉस्टल या लाइब्रेरी बनना चाहिए, निवेदन है। और बहुत शुक्रिया फिर से मैं नाजिम भाई का देना चाहता हूँ कि जो इतना बड़ा प्रोग्राम कौसा स्टेडियम के अंदर रखा, और ज़रूरी नहीं सिर्फ मुमरा के ही लोग यहाँ पे खेलेंगे, एतराफ़ के जितने भी हैं, कलवा है, दीवा है, नवी मुंबई है, वाशी, कल्याण, अंधेरी, जितने भी इलाके, दीगर इलाके, वहाँ से लोग आ रहे हैं और बिल्कुल खेल रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। सलमान जी, मेरा एक आपसे एक सवाल है, जैसा कि आपने खेल कूद को बढ़ावा देने की बात किया, तो यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड होना जरूरी है या नहीं, तो आप अपने तरफ से क्या? देखिए कैसा है, प्ले ग्राउंड के लिए हमने मांगनी करी है, प्ले ग्राउंड के लिए हमने लेटर भी दिया है, और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ जब तक ये सत्ताधारी पार्टी शहर के अंदर राज करेगी, आपको ना प्ले ग्राउंड मिलेगा, ना हज हाउस मिलेगा, ना लाइब्रेरी मिलेगी, ना गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा। तो मैं चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ, 2022 के बाद एक ऐसा लीडर चुने जो आपका भी और आपके शहर के का भी विकास का काम करने का काम करे। जमीर भाई, आज के क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर के आपका क्या विचार है और क्या कहना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2022 सीजन 1 चल रहा है, इस सीजन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस सीजन में हमने साइमल्टेनियसली 2 टूर्नामेंट्स रन किए हैं। पहला टूर्नामेंट जो है वो ग्रामीण विभाग का है, जिसमें 16 टीम्स खेल रही है, और दूसरा विभाग जो है 16, वो भी ओपन हाफ का है, उसमें हमने 16 टीम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तालुका हाफ के 8 टीम और ओपन हाफ के 8 टीम। तो इस तरह से 2 टूर्नामेंट साइमल्टेनियसली रखे गए हैं, और दोनों का प्राइस भी अलग अलग है, दोनों में मैन ऑफ द सीरीज़ भी अलग अलग है, सारा मतलब सेपरेट हम लोग ने साइमल्टेनियसली 2 टूर्नामेंट्स रन किए हैं। जैसा कि अभी सलमान रिजवी ने एक संदेश दिया है कि आने वाले वक्त में अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ का उद्घाटन होता है, जैसे लाइब्रेरी मिल जाए या हज हाउस मिल जाए या एनीथिंग कुछ भी मिल जाए, उन सारी चीज़ों के जो नाम है वो कौसा गांव के किसी भी बुजुर्गान जो बुजुर्ग मतलब बीत चुके हैं उनके ऊपर रखा जाए, तो इसको लेकर के आप क्या कहें? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अगर ये होता है, क्योंकि देखो कौसा गांव के जो लोग हैं उन्हीं की सर जमीनों पर यह सब शहर बसता जा रहा है, तो बिल्कुल कौसा गांव के जो बुजुर्गाने लोग हैं जो गुजरे हैं उनके नाम पर अगर होता है तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी, और ये होना भी चाहिए। ये कौसा चैंपियन ट्रॉफी रखने का विचार कैसा आया आप लोगों को? एक्चुअली मैं इसका जो मेन जो इसमें है, जिनका रोल है हमारे कौसा गांव के रफीक सुरमे और आसिफ ढोले, ये दो बंदे पिछले 3 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे और इस कोशिश में थे कि ऐसा एक टूर्नामेंट कौसा गांव की तरफ से रखा जाए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे साहब का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सपोर्ट किया, और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं रफीक सुरमे और आसिफ ढोले का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को लेकर एक जिद पकड़ी थी, और तमाम कौसा गांव का जो हमारी सारी कमेटी है और तमाम कौसा गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने सभी ने मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और इसको कामयाब करने के लिए सभी ने सपोर्ट किया है। ऐसा कौसा गांव का कोई खानदान नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग रोज़ आ रहे हैं और मिलजुल के इस टूर्नामेंट को कामयाब कर रहे हैं। आखिर में किस तरह का संदेश देंगे मुमरा की आवाम को? मुमरा की आवाम को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग भी स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन ही एक रास्ता है अपना करियर बनाने के लिए, स्पोर्ट्स में भी हिंदुस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है अपना करियर बिल्ड करने के लिए, तो आप लोग क्रिकेट की तरफ, फुटबॉल की तरफ और बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स है जिसकी तरफ मूव ऑन करके आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।